हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली अच्छी होगी। तो आज मैंने सूट डाल रखा है। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग देख सकते हो, मेरा वेट काफी कम हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ तैयार होकर अपने हस्बैंड का। मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई हूँ वो मैं बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ कैंटीन। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। मैं तो रेडी हूँ कब का, तो मैं मेन गेट का दरवाजा लॉक कर लेती हूँ। तो मैं डोर का दरवाजा ऑन कर दूँ, लॉक खोल दूँ, जैसे ही आते हैं जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि डोर का लॉक खोलने में भी यार 2 सेकंड तो चाहिए चाहिए। तो फिर फटाफट डोर का लॉक खोलते हैं और देखो कितनी देर वेट करना पड़ेगा। बहुत देर से मैं रेडी बैठी हूँ यार। घूमने में मैं नंबर एक हूँ। मुझे घूमना, मुझे ट्रैवलिंग करना, मुझे घूमना और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हाँ, स्टडी भी साथ साथ पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं विंडो से बहुत देर से देख रही थी, आप भी देख रहे होगे, आ रहे हैं, जल्दी से लॉक खोल दूँ। धूप काफी तेज थी अभी, पता है धूप नहीं थी, खोल दिया। इतना टाइम क्यों लगा दिया? कब से वेट कर रही हूँ, इतना टाइम लगा दिया आपने। छुट्टी थोड़ी ना हुई है, छुट्टी तो आपकी हो गई थी 2 बजे, इतना टाइम लग गया आने में। रास्ते में दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे थे आप? बताइए बताइए। उड़ के आ जाएंगे, है ना? बिना कैप के ज्यादा अच्छे लगते हो। मैं लगा लूं कैप? मैं लगा लूं? लगा लूं? पसीना है तो क्या हुआ, आप लगा सकते हो, मैं नहीं। गलती से अच्छा। गंदी हो जाएगी। बोलो हाय, आ गए हैं। हाय बाय मत करो, हाय करो, हाय बोलो। हाय अच्छी लग रही हो क्या? बाय मत करो, कितनी जल्दी में रहते हो। मैं कैंटीन आ गई हूँ, बस थोड़ी देर में अंदर एंट्री हो रही है। आप लोग व्यू देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी काफ़ी दूर डिस्टेंस में कैंटीन है और धूप काफ़ी तेज़ है। मेरा फेस है एकदम लाल लाल हो चुका है। बने रहो आप लोग वीडियो में। ये देखो कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स एंड फ्लावर हैं गेंदे के, कितना ब्यूटीफुल है यार। इस एरिया में ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को। क्या बोलते हैं इसको? कमांड पोस्ट। काफ़ी दूर है कैंटीन, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लिखा है प्रोविजनिंग कॉम्प्लेक्स। बोल रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। ये फ्लैट्स हैं। फिर मैं देखती हूँ कौन सा साबुन लूँ। नहीं नहीं प्लेन वाला लेना, अगर लेना। ग्राउंड पर सभी लोग पीटी करने आ चुके हैं। इस बार कैंटीन से मैंने काफ़ी कुछ सामान लिया है, इतना सारा सामान लिया है। आपके मन में डाउट ज़रूर आता होगा कि आप मॉल या शॉप से सामान क्यों नहीं खरीदते हो। तो मैं कैंटीन से इसलिए ख़रीदती हूँ क्योंकि मॉल और शॉप का रेट कैंटीन प्राइस से काफ़ी डिफरेंट होता है, आपको भी पता होगा। अगर आपके घर पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब फोर्स में कर रहा है तो मैं बताती हूँ आपको कैंटीन प्राइस और मार्केट प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंट मुझे देखने को मिला। आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने घी खरीदा था वहाँ पे, तो 1 kg का MRP प्राइस था 840 और
और ये मुझे मिला था कैंटीन प्राइस में 548 का। और चकदे की कसूरी मेथी का MRP प्राइस था 30 रुपये और ये मुझे मिली थी 20 रुपये में। क्रिमका का डाइजेस्टिव बिस्किट का MRP प्राइस था 240 और ये मुझे मिला था 162 कैंटीन प्राइस। और ये लिफोर्ड का बाथ सॉप था, इसका MRP प्राइस था 75 रुपीस और ये मुझे मिला था कैंटीन प्राइस में 33 रुपए का। मैंने कपड़े धोने वाला साबुन खरीदा, एक साबुन का प्राइस है 30 रुपए और ये मुझे कैंटीन में मिला है 19 रुपए का, 250 ग्राम का। तो ये मैंने 5 साबुन खरीदे थे टाइड से, क्योंकि टाइड कप साबुन से कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है। मैं टाइड और फेनर यूज करती हूँ। नेक्स्ट व्यू प्योर ब्रांड का मैंने पास्ता खरीदा, इसका MRP प्राइस था 80 रुपए और ये मुझे कैंटीन प्राइस में मिला 62 रुपीस का, कितना फर्क है। और मैंने व्यू प्योर का पोहा खरीदा जिसका मार्केट प्राइस था 56 रुपए और कैंटीन प्राइस इसका है 35 रुपए। और मैंने एक और सॉप खरीदा बाथ सॉप, तो इसका MRP प्राइस था, वाइल्ड स्टोन साबुन का MRP प्राइस था 60 रुपए और ये मुझे कैंटीन प्राइस में मिला 46 रुपए का। पर कैंटीन जो मैगी ना खरीदो ये हो सकता है, तो इस मैगी के पैकेट का प्राइस था 14 रुपए और ये मुझे कैंटीन में मिली 12 रुपए, मतलब 12 रुपए का एक पैकेट, फिर भी 2 रुपए कम हुए। और अगर आप मार्केट में इसको लेते तो 14 रुपीस पे लिखे हैं तो 14 ही आपको देना पड़ता। नेक्स्ट मैंने फार्चून का ऑयल खरीदा, तो इसका MRP प्राइस था 783 रुपीस और ये मुझे कैंटीन में मिला 662 रुपीस का। इसमें भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला। और सुनो एक फनी चीज, गुलाब जामुन का पैकेट में बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं पैकेट लेके आऊँगी अगर कैंटीन में मुझे मिला, तो फाइनली वहाँ पे मुझे गुलाब जामुन का पैकेट मिल गया था। तो इसका प्राइस था MRP प्राइस 130 रुपए और ये मुझे मिला था कैंटीन प्राइस में 80 रुपए का। तो इसको मैंने चुपचाप ट्रॉली में रख लिया था क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बनाना था। और ये रही कॉर्नफ्लेक्स वाली नमकीन, इसका MRP प्राइस था 71 रुपीस और ये मुझे कैंटीन में मिली 48 रुपीस की। इसमें भी काफ़ी डिस्काउंट था, अच्छी लगती है ना। नेक्स्ट मैंने कॉर्नफ्लेक्स खरीदा, इसका MRP प्राइस था 150 रुपीस और ये मुझे कैंटीन में मिला 81 रुपीस का, वो भी 500 ग्राम का, इसको दूध में डाल के खाएंगे। नेक्स्ट मैंने इम्पैक्ट का फेना वॉश खरीदा, इसका MRP प्राइस था 122 रुपीस जो मुझे कैंटीन प्राइस में मिला 98 रुपीस का। नेक्स्ट वी प्योर कंपनी की शिवैया का पैकेट खरीदा जिसका MRP प्राइस था 69 रुपीस और ये मुझे मिली 43 रुपीस की। नेक्स्ट मैंने आलू भुजिया का पैकेट खरीदा, इसका MRP प्राइस था 150 रुपीस और ये मुझे मिली 74 रुपीस की। और मैंने खरीदी जॉक्शन की चिक्कीज, इसका MRP प्राइस था 190 रुपीस और ये मुझे मिली 147 रुपीस की। मैंने खरीदा साबूदाना, साबूदाना का MRP प्राइस था 70 रुपीस और ये मुझे मिला 40 रुपीस का। तो आपने भी देखा ना कि कैंटीन प्राइस और MRP प्राइस में कितना बड़ा डिस्काउंट है। अगर आप इसको शॉप से खरीदेंगे तो आपको जो पीछे रेट लिखे हैं पैकेट में आपको उसी रेट की चीज़ मिलेगी, और अगर आप कैंटीन से खरीदते हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें अभी ऐड नहीं की थी क्योंकि पैकेट मैंने पहले से ही ओपन कर लिया था, तो मैं किचन से लाती हूँ तो वो फैल जाता। तो नेक्स्ट बार फिर कैंटीन जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि कौन सा सामान मुझे कितने का मिला। आप पर डे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय ऑल गाइस।